मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारे साथ इस तिरंगे झंडे के नीचे वो नौजवान बैठे हैं जिन्होंने ओलंपिक की दुनिया में भारत का परचम लहराया। मैं मेरे देश के सभी एथलीट्स को, मेरे देश के सभी खिलाड़ियों को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बधाई देता हूं और हम नए सपने, नए संकल्प, अत्यंतिक पुरुषार्थ के साथ नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं विश्वास के साथ उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। आने वाले कुछ दिनों में भारत के एक बहुत बड़ा दस्ता पैरालंपिक के लिए पेरिस जाने के लिए रवाना होगा। मैं मेरे सभी पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारे साथ इस तिरंगे झंडे के नीचे वो नौजवान बैठे हैं जिन्होंने ओलंपिक की दुनिया में भारत का परचम लहराया। मैं मेरे देश के सभी एथलीट्स को, मेरे देश के सभी खिलाड़ियों को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बधाई देता हूं और हम नए सपने, नए संकल्प, अत्यंतिक पुरुषार्थ के साथ नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं विश्वास के साथ उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। आने वाले कुछ दिनों में भारत के एक बहुत बड़ा दस्ता पैरालंपिक के लिए पेरिस जाने के लिए रवाना होगा। मैं मेरे सभी पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारे साथ इस तिरंगे झंडे के नीचे वो नौजवान बैठे हैं जिन्होंने ओलंपिक की दुनिया में भारत का परचम लहराया। मैं मेरे देश के सभी एथलीट्स को, मेरे देश के सभी खिलाड़ियों को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बधाई देता हूं और हम नए सपने, नए संकल्प, अत्यंतिक पुरुषार्थ के साथ नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं विश्वास के साथ उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। आने वाले कुछ दिनों में भारत के एक बहुत बड़ा दस्ता पैरालंपिक के लिए पेरिस जाने के लिए रवाना होगा। मैं मेरे सभी पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारे साथ इस तिरंगे झंडे के नीचे वो नौजवान बैठे हैं जिन्होंने ओलंपिक की दुनिया में भारत का परचम लहराया। मैं मेरे देश के सभी एथलीट्स को, मेरे देश के सभी खिलाड़ियों को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बधाई देता हूं और हम नए सपने, नए संकल्प, अत्यंतिक पुरुषार्थ के साथ नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं विश्वास के साथ उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। आने वाले कुछ दिनों में भारत के एक बहुत बड़ा दस्ता पैरालंपिक के लिए पेरिस जाने के लिए रवाना होगा। मैं मेरे सभी पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।